नमस्कार साथियों, आज पुनः हर्ट की जानकारी लेकर हाजिर हैं। हर्ट यह एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि जितने भी स्वाद रस होते हैं, यानी कि 6, उसमें से 5 रस इसमें मौजूद हैं। कैसे? जो हर्ड की मज्जा है उसमें मधुर रस, नसों में अम्ल, डंठल में तिक्त रस, छाल में कटु रस और जो अस्थियां हैं उसमें कशेला रस रहता है। केवल लवण रस इसमें नहीं रहता है। अब इसके विशेष गुण हम देखते हैं। विशेष गुण कैसे? जैसे कि यदि हम दांतों के द्वारा चबाकर यदि खाते हैं तो हमारे पेट की अग्नि शक्ति बढ़ेगी। पीस का खाते हैं तो ये शरीर से मल निकालकर उदर को शुद्ध करता है। यदि इसी हर्ड को पकाकर यदि खाते हैं तो ये मल को रोकती है। भुनी हुई हर्ड त्रिदोषनाशक होती है। भोजन के साथ यदि खाते हैं तो बुद्धि और बल का विकास होता है, इंद्रियों को प्रकाशवान करती है और नेत्रों से संबंधित जो रोग है वह दूर करती है, मल त्याग भी करेगी। भोजन के बाद यदि हर्ड खाते हैं तो अन्न के जो दोष हैं, यानी कि वात कफ पित्त जो भी हैं, उनको दूर करेगी। हर्ड यदि लवण के साथ खाते हैं तो कफ का नाश करेगी, मिश्री के साथ पित्त का, घी के साथ वात, और गुड़ के साथ यदि हर्ड का सेवन करते हैं तो ये संपूर्ण दोषों का नाश करेगी। अब हर्ड यदि वर्षा ऋतु में खा रहे हैं तो नमक और पानी के साथ में, शरद ऋतु में शक्कर और दूध के साथ, हेमंत में सौंठ और दूध के साथ, शिशिर में पीपल दूध के साथ, वसंत में शहद और दूध के साथ, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ और हर्ड में। जितनी हर्ड का सेवन कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में गुड़ का सेवन करें, किंतु जब आप मिश्री के साथ इसका सेवन कर रहे हो तो हर्ड की मात्रा के तुलना में आधी क्वांटिटी में मिश्री लें। अब निषेध भी देख लें कि लोगों के लिए अनुपयोगी है। जैसे बहुत ज़्यादा चल लें, बलहीन महसूस करें, क्रश काया है, अधिक पित्त और वात वाला व्यक्ति है, गर्भवती स्त्री है, जिसने ब्लड डोनेट किया है, उन्हें हर्ड का सेवन नहीं करना है। ये तो केवल तरीके बताए, अभी तो विभिन्न रोगों में कैसे उपयोग होगी है जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।